हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चमत्कारी भोकाल सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 8 पार्ट की सीरीज़ है और मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ पार्ट्स के नाम। फर्स्ट पार्ट का नाम है चमत्कारी भोकाल, सेकंड पार्ट का नाम है महागुरु भोकाल, थर्ड पार्ट का नाम है शक्तिशाली, फोर्थ पार्ट का नाम है महायोद्धा, फिफ्थ पार्ट का नाम है पाताल हत्यारा, सिक्स्थ पार्ट का नाम है नरक जाल, सेवन्थ पार्ट का नाम है वज्र, लास्ट पार्ट यानी कि एट्थ पार्ट का नाम है काली कंठी। और ये सीरीज़ मैंने पिछले साल ही खरीदी थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये पिछले साल ही रीप्रिंट हुई थी। तो स्टोरी के बारे में बारे से बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इस सीरीज़ के बारे में मोस्टली 2015 से सुना था। जो इससे पहले की जो स्टोरीज आती हैं जिसमें भोकाल डेस्ट वन की वन टू एंड थ्री, उन सब की स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी थी और वो 2014-2015 में मैंने ख़रीदी थी। और भोकाल थ्री में जैसे 7 कॉमिक्स हैं और सबसे जो लास्ट कॉमिक का तंत्र था, और इसके लास्ट में ही जिस तरह से इसकी कहानी को एंड किया गया था तो उसमें चमत्कारी भोकाल को टीज किया गया था। तो वैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि 2020 के मिड के बाद सीलन की वजह से मेरी कुछ कॉमिक्स डैमेज हो गई थी, तो ये भी वन ऑफ देम है। बस फर्क यही है कि सबसे ज़्यादा डैमेज इसी कॉमिक की हुई है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हुआ। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये डेस्ट 2015 में ख़रीदा था और जब मैंने लास्ट में ये पोर्शन देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मैं वाकई में जानना चाहता था कि चमत्कारी भोकाल में आखिर ऐसा होगा क्या। तो उसी मतलब इस डेस्ट आने के बाद से ही चमत्कारी भोकाल सीरीज़ के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप्स में बातचीत होनी शुरू हुई, काफ़ी सारे लोग इस सीरीज़ को रिप्रिंट करने की डिमांड करने लगी, तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन होगी। बट जब मैंने पिछले साल ही इस सीरीज़ को पढ़ा तो मुझे ये सीरीज़ बिलो एवरेज लगी क्योंकि इसने मेरे सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिए सीरीज़ ने। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट पार्ट के शुरुआत में जो भी 3 मेन विलन दिखाए गए थे उनसे ज़्यादा तो ज़्यादा शाइन साइड विलन्स करते हैं और स्टोरी भी कुछ खास ही लगी मेरे को। अगर आर्टवर्क के हिसाब से बोलूँ तो आर्टवर्क सभी कॉमिक का बड़ा ही शानदार है और पेपर की क्वालिटी जो है हर एक कॉमिक की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको आर्ट वर्क दिखाया था सारे पार्ट्स की। और वैसे इस सीरीज़ का कलेक्टर एडिशन भी आ चुका है और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा था कि जिन लोगों ने कलेक्टर एडिशन लिया है और जिन लोगों ने पेपरबैक एडिशन लिया है तो उसके जो सेकंड पार्ट की जो कॉमिक है उसमें कुछ में एरर्स देखने को मिलते हैं, कुछ में नहीं देखने को मिलते, और कुछ कॉमिक्स में जो एरर्स थे उनको सुधारा गया है। जैसे इस कॉमिक में भी एरर है लेकिन उनको सुधारा गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे भी कैसे एरर्स थे कैसे सुधारा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये एरर्स में क्या हो रहा है, जैसे ये गर्र की आवाज़ है उसको वो एरर्स में नहीं था, तो क्या हुआ कि बाद में इस एरर को सुधारने के लिए स्पेशली इसको प्रिंट किया गया और इसको चिपकाया गया डायलॉग बॉक्स को। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा भी बस आसपास ही है। अब ये देखो यहाँ पर जैसे ये उफ का डायलॉग बॉक्स है और ये वाला डायलॉग बॉक्स है। एरर में क्या है कि ना तो ये है ना तो ये है, वही कि इसको सुधारने के लिए इसको भी अलग से प्रिंट किया गया और चिपका दिया गया और इस डायलॉग बॉक्स को भी अलग से प्रिंट करके चिपकाया गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर ये ऐसा ना करते तो मेरे पास भी एक तरह से
एरर वाली कॉपी होती, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशंस और पेपरबैक एडिशंस ऐसे देखे कुछ भाइयों के जो उन्होंने अपने यूट्यूब पर अपलोड किए थे। तो वो यानी कि आरसीएम जी ने कुछ कलेक्टर एडिशन और कुछ पेपरबैक में ही इसको सुधार किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी इस एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा लगता। जैसे कि मैंने कहा कि स्टोरी मुझे बहुत बेकार लगी सच कहूँ तो, क्योंकि भोकार डेस्ट 3 की जो लास्ट कॉमिक है उसके एंड को पढ़ के लगा कि काफ़ी अच्छी खासी चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे इसमें शुरुआत में जैसे 3 विलन दिखाए गए तो लगा कि यही मेन विलन हो गए, तो लेकिन क्या हो रहा है कि मेन विलन से ज़्यादा शाइन ऑल्टरनेट विलन कर रहे हैं, और जो एक कैरेक्टर है शक्तिशाली वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर निकला। बस पॉजिटिव सीरीज़ की पॉजिटिविटी ये है कि एक अच्छा कैरेक्टर हमको देखने को मिला शक्तिशाली, और आर्टवर्क आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और पेजेस की क्वालिटी और कवर की क्वालिटी एकदम अच्छी है। अगर मैंने इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा सुना ना होता तो मैं शायद इस सीरीज़ को अभी ख़रीदता भी ना, बट वही बात है, एक तो मैंने इस सीरीज़ के बारे में काफ़ी सुना था और इस पैनल ने मुझे इतना इम्प्रेस किया था कि मैं वाकई में जानना चाहता था कि इसमें होगा क्या, बट सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस सीरीज़ ने। हालांकि इस सीरीज़ की पॉजिटिविटी ये है कि इसका आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है, चाहे आप इनर पेजेस के आर्टवर्क की बात कर लो, चाहे आप कवर आर्ट की बात कर लो, सभी बहुत अच्छे हैं। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सीरीज़ ख़रीदना चाहते हो, अगर आप भोकाल फ़ैन हो, डाई हार्ड फैन वाला डाई हार्ड फैन, तब तो बेसिकली आपको ये सीरीज़ ख़रीदनी चाहिए। अगर आप सिर्फ आर्टवर्क के हिसाब से इस सीरीज़ को ख़रीदना चाहते हो तो भी ये सीरीज़ एकदम बहुत अच्छा, तो भी ये ख़रीदना वर्दी है आर्टवर्क के लिए। लेकिन पर्सनली मैं बोलूँ स्टोरी वाइज तो ये सीरीज़ आपको डिसअपॉइंट ही करेगी। बाकी आर्टवर्क के मामले में A1 है, प्रिंटिंग की क्वालिटी में A1 है, सब कुछ अच्छा है, बस स्टोरी बहुत कमज़ोर है। बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको ये सीरीज़ ख़रीदनी है कि नहीं ख़रीदनी, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।